हेलो भाई ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, वो हर वीडियो से थोड़ी सी हटके है। आज की वीडियो में गाइस हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल डीआईवाई मेकअप फिक्सर की। गाइस, अगर हम मेकअप में न्यू होते हैं तो कौन इतनी जल्दी सारे प्रोडक्ट बाय कर लेता है? एंड गाइस, सबसे ज्यादा लीस्ट प्रियोरिटी अगर हम किसी प्रोडक्ट को देते हैं तो वो होता है हमारा मेकअप फिक्सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं होता है। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है मार्केट का, या बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि हमें मेकअप फिक्सर की नीड होती है और हमारा मेकअप फिक्सर खत्म हो चुका होता है, तो एट दैट टाइम गाइस आप अपने घर के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट से खुद ही कैसे ब्यूटीफुल मेकअप फिक्सर बना सकते हैं, आज की वीडियो में गाइस मैं इसी के बारे में बात करूंगी। सो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, माय व्यूअर्स, आई लव यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू सपोर्ट माय वीडियो। गाइस, अगर आज आप मेरे चैनल में न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड गाइस, जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी फ्यूचर की वीडियो मिस ना हो। नाउ गाइस, देखते हैं कि आखिर मेकअप स्प्रे या मेकअप फिक्सर आपको बनाना कैसे है। गाइस, मेरा तो मेकअप फिक्सर बहुत जल्दी खत्म होता है, क्योंकि मैं प्री एंड पोस्ट दोनों टाइम मेकअप फिक्सर यूज करती हूँ। आपने देखा होगा जितने भी एक्सपर्ट होते हैं ना, वो बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर यूज करते हैं, इसी से आपका मेकअप बहुत अच्छा लॉन्ग लास्ट करता है, एक ड्यूई इफेक्ट आता है, फिनिशिंग दिखती है। सो गाइस, आज मैं आपके ये 400-500 भी बचा लूंगी। मार्केट में अगर कोई अच्छा ब्रांड का आप देख रहे हैं ना मेकअप फिक्सर, तो 400-500 वो जरूर लेगा। सो वो भी आज मैं आपके बताने वाली हूँ। लेट्स चेक विद द इंग्रेडिएंट। सो गाइस, आपको डीआईवाई मेकअप फिक्सर बनाने के लिए आपको चाहिए डिस्टिल्ड वाटर या फिल्टर वाटर। इसके साथ साथ गाइस, ये है मेरे हाथ में ग्लिसरीन, चेक कर लीजिए गाइस, हो सकता है ये आपके घर में ही मिल जाए, नहीं तो केमिस्ट की शॉप पे गाइस ये 50 रुपीज के अंदर ही आ जाता है। इसके साथ साथ गाइस आपको चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा गुलाब जल। इन तीनों को ही लेकर गाइस आपको मेकअप फिक्सर बनाना है। मैं गाइस इसकी ना 5-7 डेज की क्वांटिटी बनाती हूँ ऑलवेज, और वही मैं प्रोपोर्शन आपको बता रही हूँ। गाइस, प्रोपोर्शन मेन है, तो उसको ध्यान जरूर रखिएगा। और हाँ गाइस, इसके साथ साथ आपको एक और चीज चाहिए होगी, जो कि होगी गाइस स्प्रे बॉटल। अब स्प्रे बॉटल गाइस आप मार्केट से भी ले सकते हैं, वैसे मेरे घर में बहुत सारी स्प्रे बॉटल होती है जो यूजली टोनर की होती है, सो मैं उसी में इसको भर लेती हूँ। और मैं 5 डेज की क्वांटिटी का प्रोपोर्शन आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो इसके प्रोपोर्शन में आप जितना भी क्वांटिटी बताएं उसी हिसाब से आप अपनी हर एक चीज की क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा। चलिए गाइस, इसका प्रोपोर्शन देख लेते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है ग्लिसरीन, और ये है हमारा डिस्टिल्ड वाटर, जिसकी जगह पे गाइस आप फिल्टर वाटर भी ले सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे डाबर का गुलाब जल लिया है, कोई सा भी गुलाब जल ले सकते हैं। सो जितना गाइस आपको लेना है वाटर या डिस्टिल्ड वाटर या फिल्टर वाटर, उसका हाफ गाइस आपको लेना है गुलाब जल, हमेशा यही प्रोपोर्शन रखिएगा। और गाइस, नाउ टॉक अबाउट द ग्लिसरीन क्वांटिटी। तो ग्लिसरीन गाइस आपको समझ लीजिए कि इस तरह का अगर चम्मच है आपका, तो आपको इसका 1/4 लेना है, इससे ज्यादा मत लीजिएगा गाइस, नहीं तो आपका सेटिंग स्प्रे अच्छे से नहीं बनेगा। सो फटाफट से गाइस इसको मिक्स करते हैं और बनाते हैं DIY मेकअप फिक्सर। गाइस, यहाँ पर है हमारा डिस्टिल्ड वाटर का हाफ गुलाब जल, जिसको मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये रहा गाइस 1/4 ग्लिसरीन। बहुत ज्यादा मत यूज कीजिएगा गाइस, अगेन मैं कह रही हूँ। नाउ इन तीनों को मिलाना है गाइस, और बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर प्रिपेयर करना है। आप ध्यान रखिए कि इसको बहुत अच्छा मिल जाना चाहिए। एक और चीज गाइस मैं बता रही हूँ कि इसको जब भी आप यूज करेंगे ना, तो आप हमेशा जो स्प्रे बॉटल होगी आपकी, उसको हमेशा शेक करके यूज करेंगे, ओके? क्योंकि हमेशा ना ये जो ग्लिसरीन है ये इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाती है, तो आपको थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा, ओके? सो ये हमारा बहुत अच्छे से करेंटली प्रिपेयर हो गया है। नाउ गाइज, अब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी इस तरह की एक स्प्रे बॉटल में। सो नाउ फटाफट से हम इसको ट्रांसफर करते हैं एंड देन इसको डेमो दिखाते हैं आपको। सो गाइज, अब बारी आ गई हमारे डेमो की। तो इस हाथ पे गाइज हम अच्छे से शेक करके इसको अप्लाई कर लेते हैं, एंड दूसरे वाले हाथ पे गाइज हम अप्लाई नहीं करेंगे, और हम आपको दिखाएंगे इसको आई शेडो लगा के। देखिए, इस पे मैंने अप्लाई किया है एंड इस पे मैंने अप्लाई नहीं किया है। नाउ गाइस, अब मैं कहते हैं आई शेडो लगा के आपको दिखाती हूँ। सो नाउ गाइस, आप देखिए यहाँ पे हमने सेटिंग स्प्रे यूज किया था इस वाले हैंड में, एंड यहाँ पे गाइस हमने सेटिंग स्प्रे के बगैर कहते हैं मेकअप अप्लाई किया है। आप दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे गाइस, कि ये कितना सेट दिख रहा है एंड ये कितना रफली दिख रहा है। सो या गाइस, दैट मीन कि ये वाला जो DIY है ये अच्छे से वर्क करता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। सो या गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। आप
अपने लिए इसको बना के जरूर देखिएगा, डेमो में आपको क्लियर ही हो गया होगा कि हाँ अच्छे से वर्क करता है। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय लवली व्यूअर्स प्लीज सपोर्ट माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड गाइस नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी फ्यूचर की वीडियो मिस ना हो। नाउ गाइस बाय बाय, लव यू ऑल।